का प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना ये बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन ऐसा जाता है मैक्सिमम रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम, मल्टीप्लाइंग योर रिजल्ट्स इन लेस एंड लेस टाइम विथ लेस एंड लेस एफर्ट्स। सबसे पहला जो लाइफ में प्रोडक्टिव रहता है, जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, वो अपना एक्सपायरी डेट को डिक्लेयर करता है। आपके लाइफ में परिवर्तन अगर नहीं आया तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप प्रज्ञा को प्राप्त नहीं हुए हैं, आप वाइज नहीं हैं। हम में से कई लोग सिर्फ इंटेलिजेंट है, वाइज नहीं है। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, ऑफ द फ्यूचर। 95% ऑफ डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। फोकस ऑन द बिगेस्ट चेक एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग अराउंड इट। विजडम की तरफ जाते हैं, वो जानते हैं कि नॉलेज फेलियर के बिना आता है। पढ़ेंगे तो डेटा मिला, लिखेंगे तो इंफॉर्मेशन हो गया, वापरेंगे तो नॉलेज हो गया, वापरते टाइम फेलियर होगा, फेलियर के बाद फेलियर कम होगा, बाद में बड़ा चेक उठाने की कलाकारी मास्टरी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे मिस्टर सो एंड सो इज ए वाइज मैन। पहला सेल्समैन को खरीदा जाता है, उसके बाद कंपनी को खरीदा जाता है, और उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। सेल्स में प्रोडक्ट के बिना तुम्हारे पास जिंदगी की कितनी डायलॉग्स है, इससे कस्टमर प्रभावित है कि रिजल्ट निकालने को टाइम नहीं लगता, रिजल्ट ना निकालने में ही चला जाता है। शेयर भी कुछ भी करने के पहले छुप के तैयारी करता है। सेल्स प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर is all about results. Time and effort is not equal to money. Time और effort को बराबर वापरना यानी के क्या करना वो जानना होता है। तुम्हारी बोली में इतना दम रहना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारी बोली को सुन के उत्साहित हो सके। दुनिया का बेस्ट अगर अपने को चाहिए तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एवरी प्रॉमिस आई अपहेल्ड was another stroke in the painting of my self-belief. Insurance is a product of the mind, in the mind, for the mind. वो खाली यहाँ बेचा जाए। साधारण कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, असाधारण कम्युनिकेशन। असाधारण कम्युनिकेशन मसाला से आता है, मसाला किताबें और ऑडियो से आता है, और जिसके पास सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज है, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज है, वो उस तरह का क्रिएटिव कम्युनिकेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ अपना चीज को पेश नहीं कर सकता। एक आदमी के लाइफ में जाके अपने को जितना मनता माल बेच सकता है, जो मनता है माल बेच सकता है। अगर वो आदमी अपने पे फिदा है, अगर वो आदमी की जीवन अपने वजह से बदलता है, अगर वो आदमी का धंधा अपने वजह से बदलता है, अगर वो आदमी का हेल्थ अपने वजह से बदलता है, अगर वो आदमी बड़ा आदमी बनता अपने वजह से, और अपने चाल ढाल को देख के, अपने विचारों को देख के, अपना काम करने के तरीकों को देख के, अपने बोली को देख के वो अगर अपने पे फिदा होता है। लेकिन जीवन अभी बहुत लंबा बाकी है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने का। ये काम तुम कर सकते हो, ये काम तुम्हें करना चाहिए, इसकी शुरुआत तुम्हें आज करना चाहिए।